नमस्कार। मध्य प्रदेश के पिपरिया के नया गांव में एक ऐसा पेड़ पाया गया जिसको छूने मात्र से ही लोगों के रोग दूर हो जा रहे हैं। इससे संबंधित हमने खबर आपको पहले बना के दे चुके हैं, जिसमें आपने देखा भी होगा किस तरह से लोग आ रहे हैं और उनके लोगों के रोग भी दूर हो रहे हैं। हमसे काफ़ी लोगों की यह इच्छा थी कि हम उन्हें बताएं कि यह जो नया गांव है या पेड़ का जो रास्ता है वह कहाँ से जाता है, और अगर वो देश के किसी भी कोने में रहते हैं तो वह किस तरह से वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर वह मध्य प्रदेश में रहते हैं तो वह नया गांव के उस पेड़ के पास में किस तरह से पहुँच सकते हैं। युवा कुछ लोगों की यह भी इच्छा थी कि ये जो खबर सामने आ रही है क्या वह वाकई में सच है या हमारा जाना केवल व्यर्थ होगा। तो आज की यह खबर बनाने का यही मकसद है कि आपके जो प्रश्न हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, उनसे संबंधित हम आपकी जानकारी आपको हम दे सकें। तो हमारे पास में कुछ दिन पहले खबर आई थी मध्य प्रदेश के पिपरिया से, जो वहाँ एक नया गांव में एक पेड़ पैसा पाया गया जिसको छूने मात्र से लोगों के रोग दूर हो रहे हैं। उससे संबंधित हमारे संवाददाता ने वहाँ पर जाके जाँच की और पड़ताल की कि क्या वह वाकई में सच है या झूठ है। उससे संबंधित हमारे संवाददाताओं ने वहाँ पर 2 से 3 बार जाके जांच की और हर बार पाया गया कि ये बातें कहीं ना कहीं सच भी हैं। आस्था के ऊपर डिपेंड करता है, आस्था के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी आस्था क्या है, वहाँ पे आप अपनी आस्था किस तरह से लेकर जा रहे हैं। वहाँ आज भी लाखों लोग स्टेशनों पर या नया गाँव के लिए लाखों लोग जा रहे हैं, गाड़ियों से, बस से, ट्रक से, जैसा भी साधन मिल रहा है उस साधन से वह नया गाँव उस पेड़ की तरफ जा रहे हैं अपने रोगों को दूर करने के लिए। और हमारे संवाददाताओं ने 2 से 3 बार जांच की है, लेकिन आज की ये वीडियो आपको, इस वीडियो में आपको यह मिलेगा कि आपको अगर नया गांव जाना चाहते हैं तो आप किस तरह से पहुंच सकते हैं, वह नया गांव जाने के लिए आपको कौन कौन से साधनों की आवश्यकता पड़ सकती है, वह कौन कौन से साधनों की आपको सुविधाएं मिल सकती है, वह आपके रास्ते किस तरह के होते हैं, आपको स्टेशन कौन सा उतरना होता है, वह स्टेशन किस तरह का रहता है, वो है सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। किस तरह, कितनी भीड़ है, कितने लाख, कल की ही बात है, कल लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे। 7 थानों की पुलिस ने लोगों को रोका और उन्हें व्यवस्थित बनाया कि वह किसी भी तरह से किसी की जान या हानि ना हो। तो हम जानते हैं कि ये जो नया गांव के पेड़ है ये कहाँ पर है। अगर आप मध्य प्रदेश या किसी भी जगह पर रहते हैं तो आपको हम शुरू से बताते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश जाना होता है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला पड़ता है। होशंगाबाद जिला में पिपरिया स्टेशन पर आपको उतरना होता है। स्टेशन की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी कि स्टेशन पर भीड़ किस तरह की लगी होती है और स्टेशन किस तरह का दिखता है। पिपरिया स्टेशन पर उतरने के बाद में वहाँ से 15 किलोमीटर नया गाँव है, जो तहसील पड़ती है वो पड़ती है बनखेड़ी। बनखेड़ी तहसील में ये नया गांव पड़ता है। पिपरिया से जब आप 15 किलोमीटर नया गांव के लिए जा रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे गाड़ी या ऑटो वगैरह जो लोकल सवारियाँ चलती हैं आप काफ़ी संख्या में मिल जाएंगी, जो आपसे छोटा मोटा किराया लेते हैं और आपको वहीं उतार देंगे। इस तरह से आप वहाँ जा सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी होती है वहाँ आप अधिकारियों से या पूछ सकते हैं। रही इससे विश्वास से संबंधित बात कि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये क्या वाकई में सच है या झूठ है, हम आपको बता दें अगर इसमें कहीं भी बात आती है, लाखों लोगों की संख्या में लोग जा रहे हैं, संवाददाताओं ने या खबरों में देखा जाए तो ये काफ़ी मध्य प्रदेश में प्रचलित खबर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं सच है। और हम साइंस की नज़र से देखें तो झूठ भी हो सकती है, लेकिन आस्था की नज़र से देखें तो सही है। आप अगर आपकी इच्छा करती है, अगर आप भी परेशान हैं, अगर आपकी इच्छा करती है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन हम आपको, मैं आपको पर्सनली यह सलाह दूंगा कि आप एक बार जाके देख लें। जाकर देखने में या आस्था पूर्ण करने में कुछ नहीं जा रहा है, आपको थोड़ा बहुत खर्च होगा, लेकिन आप जरूर जाके देखें। अगर आप इस तरह की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, हमने वीडियो में भी आपको बता रखा है, अगर आप इस तरह की रिपोर्टिंग लेना चाहते हैं, इस तरह की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप हमसे मीडिया माइक भी ले सकते हैं, जहां आप हमारे संवाददाताओं की तरह आप भी अपनी खबर बना के दे सकते हैं। वह आपको यहां से पुलिस और मीडिया का आपको सपोर्ट मिलता है, आपको सहायता की जाती है। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इससे संबंधित,
तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे हमने जो प्रयास किया है आपको पूरा बताने का प्रयास किया है, अगर आप जब भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप ही करें, आप मुझे कॉल ना करें। मेरे पास में दिन भर में करीबन 400 से 500 कॉल आ जाती हैं इसी पिपरिया से रिलेटेड ही, इसलिए ही हमने यह खबर आपको बना के दी है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपकी कोई जब भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपसे कृपया करके आपसे हम यही कहेंगे कि आप हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे आपको हम जरूर आंसर देंगे जो भी आप अगर पूछना चाहते हैं तो। धन्यवाद। अब हम जानते हैं कि स्टेशन किस तरह का रहेगा, वह वहाँ के व्हीकल किस तरह के रहते हैं, वह वहाँ की सड़कें, वह गाँव का रास्ता, वहाँ की भीड़ के बारे में अब हम छोटी सी एक वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। यही रास्ता कौन सी ये वाली? हाँ। उसमें तो जाने नहीं दे रहे लेकिन। हाँ तो यही खड़ कर। वो नीचे वाली कहाँ गई वो रास्ता? वो तो घर है, यहाँ दो तीन घर है उसने गई। नीचे वाली कहाँ गई? दो तीन घर है वे। भैया भी कम नहीं हो दिन भर थोड़ी बहुत हो जाएगी ना? अरे बिल्कुल सारे दिन नहीं हो। सारे दिन ऐसा ही चल। 12 बजे भी नहीं होगी? कभी नहीं हुई, होता ही नहीं है कम। का करो पब्लिक देखियो तुम। Yeah, you want to have a good one?
सबसे अच्छा।